इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कॉम्प्लेक्स पार्ट प्रेजेंट हो, ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कैपिटल ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर कुछ आयंस या फिर कोई ग्रुप या कोई मेटल एटम जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर ये भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि उसमें भी क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कैपिटल ब्रैकेट है, और उसमें कुछ क्या है, एटम या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास इस प्रकार से भी हो सकता है, CO NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, कोई चार्ज भी हो सकता है इसके ऊपर। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस प्रकार से भी हो सकता है, CO NiCO का होल 4। या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास इस प्रकार से भी हो सकता है, AgNH3 का होल 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद AgCN का होल 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है हमारे पास, इनमें सारे में एक चीज कॉमन है कि सम में कैपिटल ब्रैकेट आ रहा है, और इस प्रकार से सम में कैपिटल ब्रैकेट है, सम में कैपिटल ब्रैकेट है, सम में कैपिटल ब्रैकेट है। तो जिन कंपाउंड्स में कैपिटल ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। अब हमें इनका सीखना है IUPAC नेम। जब भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम सीखना है, तो हमें चार बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चार बातें यदि हमको लर्न है, ठीक है, तो हम प्रॉपरली क्या है नाम सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे K4 Fe CN6। यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये वाला एटम जो है, जो ब्रैकेट के तुरंत बाद लिखा होता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, यानी CMA बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद जो होता है सेंट्रल मेटल एटम के बाद और ब्रैकेट के अंदर, उन सबको लिगेंड्स बोल सकते हैं, उनको सब लिगेंड, सबको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। चाहे वो एक ही प्रकार के लिगेंड्स हैं सारे, या फिर क्या है डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, तो सबको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है और मेटल के बाद है, ठीक है। और मेटल ब्रैकेट से पहले जो लिखा है, या कोई ब्रैकेट के यदि बाहर लिखा है, तो उसे बोलते हैं हम काउंटर आयन, काउंटर आयन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और फिर काउंटर आयन कौन कौन से हैं, ठीक है। और यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ CO NH3 का होल 6 और Cl3, यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, ये हमारा लिगेंड्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, काउंटर आयन, क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें कौन किस चीज़ का नाम क्या है, ठीक है। तो लिगेंड, काउंटर आयन और सेंट्रल मेटल एटम, ये हमें पता होना चाहिए। ये तो हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हमें वो बातें सीखनी है जिनसे, जिनके हेल्प से हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। पहला है उसमें हम नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम एंड चार्ज, चार्ज ऑन लिगेंड्स। पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि किस लिगेंड को मैं क्या नाम बोलते हैं किसके लिए, और उस पर कितना चार्ज है, राइट। तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक नेगेटिव लिगेंड्स और एक न्यूट्रल लिगेंड्स। फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स, और सेकंड होगा हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स। तो फर्स्ट मैं नेगेटिव लिगेंड्स लिखता हूं। नेगेटिव लिगेंड्स में यदि हमारे पास F है, और F पे हमेशा होता है 1 चार्ज, F पे 1 चार्ज, तो इसको लिखेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे फ्लोराइडो। यदि हमारे पास क्या है Cl है, तो Cl पर भी -1 चार्ज होता है, तो उसको लिखेंगे हम क्लोराइडो। Br को लिखेंगे ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। आई को लिखेंगे हम, आई पर भी -1 होता है, आयोडाइडो, आयोडाइडो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है OH नेगेटिव,
OH नेगेटिव को लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, और CN नेगेटिव साइनाइडो, साइनाइडो लिखेंगे इसके लिए। उसके बाद SCN नेगेटिव, इसके लिए लिखेंगे थायो साइनेटो। NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनेटो, आइसो थायो साइनेटो। उसके बाद है हमारे पास NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव हो जाएगा नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। उसके बाद है ONO नेगेटिव नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ। तो ये जितने मैंने क्या है लिगेंड्स लिखे हैं सब पे क्या है माइनस 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 का एक एक सब पे चार्ज है। उसके बाद क्या है कुछ हमारे पास लिगेंड्स होते हैं जिन पे क्या है टू पॉजिटिव चार्ज होता है यानी उन पे दो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनमें कौन कौन से आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास CO3 2 नेगेटिव, इसको लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। उसके बाद SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, सल्फेटो लिखेंगे। उसके बाद है C2O4 2 नेगेटिव के लिए लिखेंगे ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो। ठीक है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास लिगेंड क्या है उनका सिंबल क्या है और उनके लिए नाम क्या लिखा जाता है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। तो नेम ऑफ और चार्ज ऑफ लिगेंड में नेगेटिव लिगेंड्स को मैं लिख चुका हूं और अब मैं लिखने वाला हूं पॉजिटिव लिगेंड्स को। ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं है न्यूट्रल लिगेंड्स को लिखने वाला हूं। यहां पे लिखेंगे हम न्यूट्रल लिगेंड्स जिन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, इन लिगेंड्स पर कोई चार्ज नहीं होता है ध्यान रखना है। पहला है हमारे पास NH3, NH3 के लिए नाम लिखेंगे AMINE, एमीन, एमीन। ठीक है दूसरा है हमारे पास H2O, H2O के लिए लिखेंगे एक्वा, AQUA, इस पर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट है CO, C भी बड़ा और O भी बड़ा, यदि C बड़ा और O बड़ा है तो होगा कार्बोनिल, कार्बोनिल, CARBONYL, कार्बोनिल। यदि N बड़ा है और O भी बड़ा है तो हो जाएगा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, SYL। नेक्स्ट है हमारे पास PY, पायरिडीन, पायरिडीन, पायरिडीन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला C6H5N, ये पायरिडीन का फॉर्मूला है। ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास पायरिडीन के बाद हो जाएगा PPH3, PPH3, इसको लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 को। ठीक है उसके बाद होता है हमारे पास EN, EN, EN को लिखेंगे इथेन 1.2 डाइएमीन, इथेन 1.2 डाइएमीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबसे पहले इथेन बना लेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उससे जोड़ देंगे दो NH2 तो ये बन जाएगा इथेन 1.2 डाइएमीन, इथेन 1.2 डाइएमीन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3NH2, CH3NH2, CH3NH2 को बोलते हैं मिथेन एमीन, मिथेन एमीन।
तो ये हमारे पास हो गए क्या है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो हमें क्या है, एक तो सबसे पहला पॉइंट है जब भी हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लीगेंड कौन कौन से हैं, उनमें से कौन से न्यूट्रल लीगेंड हैं और कौन से नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है। नेगेटिवली चार्ज लीगेंड में भी किस पर नेगेटिव वन है या किस पर पॉजिटिव, किस पर नेगेटिव टू है, ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए जरूरी रॉ मेटेरियल लीगेंड पर चार्ज का पता होना जरूरी है और उनके नाम का पता होना जरूरी है। यदि हमें नहीं पता है तो नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम आएगी। पॉइंट नंबर हमारे पास आता है टू। पॉइंट नंबर टू है हमारे पास कि हमें यह पता होना चाहिए कि लीगेंड हमारा क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है या फिर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव लीगेंड्स, यानी नेगेटिव और फिर पॉजिटिव लीगेंड्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेगेटिव है या फिर क्या है, पॉजिटिव है। उसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट से पहले कुछ भी लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट से पहले कुछ भी लिखा हुआ है, तो इस पार्ट पर पॉजिटिव होता है और इस पार्ट पर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है यदि पहले कुछ लिखा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव, जब ये नेगेटिव होगा ना कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो मेटल के नाम के पीछे एट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट। इसलिए हमें ये जरूरी होना है कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो नेगेटिव के लिए ये कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स बड़े ब्रैकेट से पहले कोई मेटल जुड़ी होती है, तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है पूरा, या फिर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है जैसे CO F6 और उसके ऊपर 3 नेगेटिव, CO F6 3 नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब भी ये नेगेटिव है और इस केस में भी नेगेटिव था, जब कोई चार्ज नहीं था लेकिन क्या था, पहले कुछ लिखा हुआ है तो नेगेटिव माना जाएगा। ऐसे केस में मेटल के जब नाम लिखेंगे तो उसके नाम के पीछे 8 लगानी है, इसलिए हमें नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना होता है कि भी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है। पॉइंट नंबर क्या है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहला लीगेंड का नाम, उन पर चार्ज ध्यान रखना है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है या कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। विदाउट यदि आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, हमें पता होना चाहिए कि किन मेटल का नेगेटिव जब होगा कॉम्प्लेक्स, उनके नाम के पीछे जब 8 लगा देंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा। जैसे Fe है, Fe, अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स पार्ट, ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में जुड़ा हुआ है जो नेगेटिव है, तो सब इसका नाम हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, FERRATE, फेरेट नाम हो जाएगा। CO का हो जाएगा कोबाल्ट 8, कोबाल्ट 8, COBALTATE, कोबाल्ट 8। CU का हो जाएगा क्यूप्रेट, CU का हो जाएगा क्यूप्रेट। NI का हो जाएगा निकिलेट, NI का हो जाएगा निकिल 8, निकिलेट। उसके बाद ZN का हो जाएगा जिंकेट, ZN का हो जाएगा जिंकेट, ठीक है। उसके बाद AG का हो जाएगा आर्जेंटेट, ARGENTATE, आर्जेंटेट। AU का हो जाएगा ऑरेट, ARATE, ऑरेट। PT का हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। PD का हो जाएगा पैलेडेट, PALLADATE, पैलेडेट, ठीक है। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, निकिल हो गया, जिंक हो गया। तो इन सारी मेटल्स के नाम इस प्रकार से हम क्या है, यदि Hg है तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या है मेटल नाम होगा, या तो उसका इंग्लिश नेम है जैसे कि मान लीजिए कोबाल्ट है, तब भी नाम के पीछे एट लगेगी, या फिर उसका हमारे पास लेटिन नेम है जैसे कि कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं तो फिर क्यूप्रेट आएगा, आयरन को फेरम बोलते हैं तो फेरेट आएगा, ठीक है, और सिल्वर को आर्जेंटम बोलते हैं तो आर्जेंटेट आएगा, ठीक है, गोल्ड को ऑरम बोलते हैं तो ऑरेट आएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं,
कि जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तो मेटल के नाम के पीछे आपको एट लगानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर थर्ड है, पॉइंट नंबर क्या है थर्ड, ये आपको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के नाम के पीछे एट आना है, ठीक है, एट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो है कि यदि हमारे पास किसी लीगेंड की संख्या दो है तो उसके लिए डाई लगाएंगे, लीगेंड की संख्या तीन है तो ट्राई लगाएंगे, फोर है तो टेट्रा, फोर के लिए क्या लगाएंगे टेट्रा, पांच के लिए लगाएंगे पेंटा और छह के लिए लगाएंगे हेक्सा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो चार होती है मोस्टली या फिर क्या है सिक्स होती है, तो ज्यादातर क्या है हेक्सा तक ही हमारा काम चल जाएगा। दूसरा एक इसी में ही हमें ध्यान रखना है कि यदि लीगेंड हमारे पास ऐसा है जिसके नाम में ही डाई और ट्राई आ रही है, लीगेंड मैंने बोला लीगेंड यदि हमारे पास ऐसा है जिसके नाम में ही डाई और ट्राई आ रही है, जैसे कि इथेन 1.2 डाई इन, इथेन 1.2 डाई एमीन, इथेन 1.2 डाई एमीन, इसके नाम में ही डाई आ रही है। अब मान लो इसकी संख्या हमारे पास दो है तो मैं लगाऊंगा बिस, अब डाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके नाम में ही डाई आ रही है, तो हम बिस लगाएंगे ऐसे के लिए। यदि इसकी संख्या दो है, यदि इसकी संख्या तीन है तो मैं लगाऊंगा ट्रिस, और यदि इसकी संख्या चार है तो मैं लगाऊंगा टेट्राकिस, टेट्राकिस लगाऊंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास लीगेंड है, ठीक है, तो लीगेंड का नाम, लीगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रही है तो फिर उसके लिए डाई या ट्राई उसकी संख्या के लिए नहीं लगाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कितने हैं वो दो तो बिस, तीन है तो ट्रिस और चार है तो टेट्राकिस। ये चार बातें यदि हमें पता है तो हम अपने IUPAC नाम को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, इन चार बातों के अलावा एक बात और, एक पॉइंट और आपको क्या है लर्न करना है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी आप मेटल का नाम लिखोगे, मेटल का नाम, तब ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन न्यूमरल्स में, रोमन न्यूमरल्स में यानी नो रोमन नंबर्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ेगी मेटल के नाम के बाद, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और IUPAC को समझते हैं कि भी IUPAC में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे नाम लिखे जाएंगे। पहला स्टार्ट करते हैं हम K4FeCN6, एक हमारा कॉम्प्लेक्स ये है। दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं बना देता हूं CONH3CL3, ठीक है। एक मैं नाम लिख देता हूं AgNH3Cl2 और फिर उसके बाद AgCN2 ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद PtNH3Cl2, ऐसे मैंने क्या है चार नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ये देखना है जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखूंगा, ठीक है, तो नाम सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है, ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ब्रैकेट से, मैंने बताया था ब्रैकेट से यदि पहले कुछ लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो आप इसको क्या मान सकते हो नेगेटिव है। ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा हुआ है तब भी पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाद और आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी पॉजिटिव ही मान के नाम, जो भी नाम होता है मेटल का इंग्लिश नेम वो ही लेके आना है, ठीक है। और यदि दो ब्रैकेट हो रहे हैं तब भी हमें क्या है पहला ब्रैकेट को मानना है पॉजिटिव और दूसरे ब्रैकेट को मानना है नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको इतना पता है तो नाम स्टार्ट कर देते हैं।
सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। पहला पॉइंट हम देखेंगे जब भी कोई IUPAC नाम लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट ये देखेंगे कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। मान लीजिए ये पहले नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव मान के करूंगा, इसको भी पॉजिटिव मान के, लेकिन यदि दो ब्रैकेट आ रहे हैं तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहां पे आता है हमारे पास पहला हमारा नेगेटिव माना जाएगा। अब नाम कैसे लिखें, किसका नाम पहले, जो ब्रैकेट से पहले लिखा है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, और यदि मैं जैसे इसमें ब्रैकेट में बाहर आ रहा है तो इसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा, और जो बीच में होते हैं ना, बीच में जो होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनमें लिगेंड पहले लिखा जाता है, मेटल बाद में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पोटेशियम का नाम, यहां पे लिखेंगे हम पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम आ गया, उसका नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर हमेशा लिखा जाएगा जब लिगेंड अंदर है, उन लिगेंड का नंबर लिखा जाएगा, ना कि जो काउंटर आया ना उसका नंबर कभी नहीं लिखेंगे। तो पोटेशियम लिख दिया, फिर उसके बाद लिखा जाएगा जब ब्रैकेट के अंदर पहुंचे थे लिगेंड का नाम पहले, तो लिगेंड की संख्या कितनी है 6, और 6 के लिए लगाएंगे हेक्सा, हेक्सा, और CN के लिए साइनाइडो, CN के लिए साइनाइडो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए ले आएगा फेरेट, फेरेट। अब आप बात आती है अभी मेटल के नाम के बाद क्या लगाना जरूरी है, ऑक्सीडेशन नंबर, जो मैंने बताया था कि पांचवा एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि मेटल के बाद के नाम बाद में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन लिखते हैं। अब ऑक्सीडेशन डिसाइड होती है चार्ज से, यदि लिगेंड पे चार्ज पता है, मैंने बोला था कि CN पे माइनस का 1 होता है, एक पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम कितना है, पोटेशियम पर होता है एक चार्ज, पर पोटेशियम है कितने मेरे पास 4, Fe का मुझे चार्ज निकालना है, ठीक है, और CN पर CN कितने हैं 6, और एक CN पे माइनस 1 बराबर कर दूंगा 0, तो प्लस के 4 प्लस Fe माइनस 6 बराबर 0, Fe माइनस 2 बराबर 0, तो Fe का आ जाएगा चार्ज बराबर प्लस 2। तो यहां पर मैं क्या काम करूंगा, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिख दूंगा। इस प्रकार से नाम लिख जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। अब हमें नाम लिखना है इसका, अब क्योंकि इसमें पहले तो कुछ लिखा हुआ ना है, तो लिखा हुआ नहीं है तो नाम भी किसका लाएंगे हम, तो फिर हम नाम लाएंगे किसका, लिगेंड्स का, क्योंकि मैंने बताया था यदि पहले जो लिखा हुआ था ब्रैकेट से पहले उसका नाम लाते हैं, और जो बाद में लिखा होता है उसका बाद में लाते हैं। यदि हमारे पास क्या है, पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम लिगेंड फिर मेटल का नाम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास सबसे पहले लिगेंड है, लिगेंड है यहां पर हमारे पास 6 हेक्सा AMMINE हेक्सा एमीन, उसके बाद क्योंकि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, यहां से आती है इसकी ऑक्सीडेशन, जैसे ही मेटल का नाम तुरंत उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है NH3 0 है, और क्लोरीन पर मैंने बताया था माइनस का 1 चार्ज होता है, तो क्लोरीन कितने हैं 3 है क्लोरीन, तो माइनस का 3, और माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3, और बाद में आ जाएगा क्लोराइड, बाद में क्या आ जाएगा क्लोराइड, यदि अंदर होता है Cl तब तो क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि लिगेंड माना जाएगा, और जब वो काउंटर आयन है तब उसका नाम क्लोराइड ही लिखा जाएगा नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास AgNH3 का होल ट्वाइस कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद AgCN का होल ट्वाइस, जब दो ब्रैकेट होते हैं तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव और दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव माना जाता है। नाम लिखेंगे लिगेंड का पहले मेटल का फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल है हमारे पास सबसे पहले लिगेंड है डाई एमीन सिल्वर। अब इसमें ऑक्सीडेशन का इस पे तो चार्ज 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से आती है, तो दो दूसरा वाला होता है हमारे पास, दूसरा जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है उस पे जो चार्ज होता है, तो CN 2 है इसमें, तो माइनस का इस पे चार्ज हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 में से क्या है एक चार्ज इस पे आएगा एक इस पे आएगा, दो चार्ज आया ना, तो दो में से फर्स्ट इस पर एक चार्ज इस पर आएगा, यानी डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, उसके बाद डाई साइनाइडो, और CF क्योंकि नेगेटिव है तो इसके लिए आएगा आर्जेंटेट फर्स्ट, इसके नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3
का होल 6 और उसके बाद CO CN का होल 6, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नाम लिखा जाएगा हेक्साएमीन कॉपर थर्ड, क्योंकि क्या होता है ये मेरे पास NH3 न्यूट्रल है, ठीक है, NH3 क्या है न्यूट्रल है, और CN पर क्या होता है माइनस का 1 और टोटल CN मेरे पास 6 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, और उस प्लस के 6 में से भी क्या है आधा आधा दोनों पे बटेगा, तो 3 इस पे आएगा 3 इस पे, तो हेक्साएमीन कॉपर थर्ड, उसके बाद हेक्सा साइनाइडो और यहां पर आएगा कोबाल्ट 8 है ना, तो कोबाल्ट 8 थर्ड इस प्रकार से हम इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से उसका नाम लिख देंगे, पहला पॉजिटिव माना जाएगा दूसरा नेगेटिव, लेकिन आप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीगेंड कौन है, उस पर कितना चार्ज है, ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। यदि हमें इतना नहीं पता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमारे पास क्वेश्चन है कि कैपिटल ब्रैकेट है हमारे पास Ni है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है Cl2 और En का होल ट्वाइस, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, हमें नाम लिखना है। सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे, इसको पॉजिटिव मानकर ही नाम लिखेंगे कि निकिल ही आएगा इस केस में भी, केवल नेगेटिव के केस में ही 8 लगता है, इसमें भी निकिल आएगा। यहाँ पे नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, इसका नाम चालू होता है स्टार्ट होता है सी से, इसका नाम स्टार्ट होता है ई से, ए बी सी डी ई, यानी सी पहले ई बाद में, तो डाइक्लोराइडो आएगा, उसके बाद इसका नाम, लेकिन अब इसमें इथेन ईएन का मतलब नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, जब इथेन 1,2 डाइएमीन होता है और इसकी संख्या 2 है तो 20 लेके आएंगे हम, क्योंकि नाम में डाई आ रही है, 20 ब्रैकेट में डाइक्लोराइडो 20, इथेन 1,2 डाइएमीन निकिल NiCl निकिल, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगी सेकंड, क्योंकि En को मैंने बोला है न्यूट्रल लिगेंड और CN पर होता है माइनस का 1 और कितने CN है 2, तो कितना हो गया माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2, तो नाम हो जाएगा डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन निकिल फर्स्ट निकिल सेकंड, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, हम अपने नाम जो भी हमारे पास नेम है उनको लिख सकते हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या है लिगेंड पर चार्ज पता होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पता होना चाहिए, कब एट लानी है और किस एटम या किस मेटल के नाम के पीछे जब वो एट लाएंगे तब उसका नाम क्या होगा, जैसे Fe का फेरेट होगा, CO का कोबाल्ट 8 होगा, तो ये हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें हमें पता है तो हम अपने नाम लिख सकते हैं, और भी हम क्या है प्रैक्टिस करेंगे, AgNH3 का होल ट्वाइस और बाद में आ जाएगा NO3, तो नाम लिख देंगे इसका डाइएमीन सिल्वर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, डाइएमीन सिल्वर, उसके बाद NO3 पर होता है माइनस का 1 चार्ज, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद CO F6 3 नेगेटिव, ऐसे केस में क्या है इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हेक्साफ्लोराइडो, और नेगेटिव है तो कोबाल्ट 8, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें कैसे निकालनी है, कोई CO को CO ही मानना है, प्लस 6 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन पे -1, और ये जो बड़े क्या होता है ऊपर जो चार्ज होता है उसे बराबर में ले लेते हैं, तो CO F ये हो जाएगा, तो CO -6 = -3,
और जब माइनस सिक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स माइनस थ्री, तो कितना बचेगा, प्लस का थ्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड, और यदि आयन है तो आयन लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगाया तो तब भी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सीओ एन एच थ्री का होल सिक्स और थ्री प्लस, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो हेक्साएमीन नाम लिखेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आ जाएगी क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो जो चार्ज है ना वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, और बाद में लगा देंगे हम क्या, आयन, ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इस प्रकार से क्या है, इन सारे नामों को हम क्या है लिख सकते हैं, और अपने जो भी नाम है ना उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए नाम है उनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमें कुछ दे रखे हैं, और एक हमें क्या है, जैसे हमें दे रखा है एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमें 9.3 है, 9.3 हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कैपिटल ब्रैकेट है, पीटी है, और NS3 का होल ट्वाइस, NS3 का होल ट्वाइस, फिर Cl है, और ब्रैकेट में बना हुआ है NO2 और कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास नाम है। हमें क्या काम करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक बात और सीखनी है आपको कि ब्रैकेट में किसको लिखा जाता है, ब्रैकेट में हमेशा जिन लिगेंड्स के अंदर दो डिफरेंट एटम होते हैं हमेशा उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई OH को क्या ब्रैकेट में लिखा जाएगा जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, बिल्कुल लिखा जाएगा, दोनों में अलग अलग एटम है। CN को लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, NO2 को लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, उसके बाद ONO को लिखा जाएगा ब्रैकेट में, लिखा जाएगा, NH3 को लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, H2O को बिल्कुल लिखा जाएगा ब्रैकेट में ही। तो जब ब्रैकेट में कोई लिख रहा है ना तो समझ जाना उसमें क्या है, दोनों डिफरेंट अलग अलग एटम है। ब्रैकेट में नहीं लिख किसको, Cl को नहीं लिखना है, F को नहीं लिखना है, I को नहीं लिखना है, Br को नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक ही एटम से बने हुए हैं इनका सिंबल, ठीक है ना, इसमें दो डिफरेंट एटम है, इसलिए क्या है हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसको ब्रैकेट में लिखना है किसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। ब्रैकेट में हमेशा वो लिखा जाएगा जो अंदर छोटा ब्रैकेट लगेगा उसमें वो लिखा जाएगा जिसके जिसमें दो डिफरेंट एटम्स हो लिगेंड्स में। हमें नाम लिखना है सामने वाले, सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव मान के करेंगे, यानी इसमें 8 नहीं आनी है, और सबसे पहले लिगेंड को अल्फाबेटिकल अरेंज कर दो, तो डाई एमीन उसके बाद क्या आ जाएगा क्लोराइड, डाइएमीन क्लोराइडो, NO2 के लिए लिखेंगे नाइट्राइटो एन लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया कि NO2 के लिए नाइट्राइटो एन लिखते हैं लिगेंड्स में। उसके बाद प्लेटिनम और ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज माइनस का 1, इस पर चार्ज माइनस का 1, तो माइनस का दो उधर जाकर प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा प्लेटिनम सेकेंड। इस प्रकार से क्या है इस एग्जाम्पल को आप कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसका हमारे पास बी पार्ट है K3Cr C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल, इससे पहले कुछ वीडियो बनाई हैं तो उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के सारे नाम मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी और उसके इंटेस्ट क्वेश्चन भी और उसके क्या है हमारे पास एक्सरसाइज भी। यहाँ से नाम लिखा जाएगा भाई, सबसे पहले पोटेशियम का नाम, उसके बाद लिगेंड्स का नाम ट्राई, C2O4 को बोलते हैं ऑक्सेलेटो, CR के लिए बोलते हैं क्योंकि नेगेटिव है तो क्रोमेट बोलेंगे, क्रोमेट,
ठीक है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेट और क्रोमेट, और बाद में क्या आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि C2O4 जो होता है उस पर माइनस का दो चार्ज होता है, तो माइनस का छह, और माइनस के छह में से पोटेशियम पे कितना आएगा प्लस का तीन, एक पर प्लस का वन, तो तीन पे प्लस का तीन, तो माइनस का छह प्लस का तीन माइनस का तीन माइनस का तीन उधर जाकर प्लस का तीन, इस प्रकार से नाम लिख रहे हैं। ठीक है, और इन नामों को मैंने समझाया हुआ है इंटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए वीडियो बनाई हुई है, इंटेस्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो है, और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से क्या है आप इन नामों को कर सकते हैं, और जो भी कुछ बताया हुआ है कोई डाउट होगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट, ओके थैंक्स।